आज एक कस्टमर फ़ोन लेके आया, उसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, जब उस फ़ोन को हम ओपन किया, जियो का फ़ोन है बटन वाला, इस फ़ोन को जब हम ओपन किए तो इसका देख सकते हो जैक बता रहा था चार्ज नहीं हो रहा है। जब इसको हमने ओपन किया तो सारा इसका प्रिंट जो है ना उखड़ चुका है, इसका एक भी प्रिंट नहीं बचा हुआ है, प्लस माइनस जितना भी है सारा प्रिंट इसका उखड़ा हुआ है। सो इस तरह के कोई भी मॉडल आता है आपके पास तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि इसका पांचों प्रिंट उखड़ा हुआ है। इस तरह का कोई भी बटन वाला हो या फिर आपका कोई भी पांच प्रिंट का जैक में आपका उखड़ चुका है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको उसको रिपेयर करना है। सो सबसे पहले इसको रिपेयर करने के लिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले रीडिंग चेकआउट करना है कि आपको इसका प्रॉपर रीडिंग मिल कहाँ पर रहा है। सो अगर पांच पिन का सप्लाई देना चाहते हो तो आपको पांचों पिन का रीडिंग चेक करना होगा, अदरवाइज इसका जो है आप चार्जिंग से बनाना चाहते हो तो प्लस माइनस को फाइंड करके आपको चार्जिंग सेक्शन ओनली बना देना है। सो इस फ़ोन में आपको बेसिकली चार्जिंग का ही ज़्यादातर ज़रूरत होती है, सो इसको ओनली हम चार्ज के लिए ही बनाएंगे। सो दो पॉइंट को निगेटिव तो मिल ही जाता है, आपको पॉजिटिव फाइंड करना है। पॉजिटिव इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि हमने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर दिया मीटर को, यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स फाइंड हो चुका है, यही पॉइंट है प्लस वाला। सो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग कनेक्टर लेना है, जैक लेना है इस तरीके का, और इसमें एक पॉइंट जो है माइनस का आपको शॉर्ट कर देना है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, माइनस वाला एक ही पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है। सो चलिए हम एक पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं, इसके बाद में आगे के प्रोसेस आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। सो हमने एक पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है, सो चलिए हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसका ये वाला जो है ना माइनस का, माइनस वाला पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया है। सो अब चलिए जैक को प्रॉपर तरीके से बैठा दिया है। अब इसके बाद आपको एक जम्पर वायर लेना है, एंड इसके बाद आपको प्लस वाले पॉइंट से आपको जम्पर को अटैच कर देना है। तो चलिए हम इसको एडजस्ट करते हैं अच्छे से, देखते रहिए वीडियो को, हम कट नहीं करेंगे, आप देखते रहिए। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बारीकी से करना है, कंपोनेंट को देख करके और ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पे जम्पर करना है अच्छे से। इसके बाद आपको, सो चलिए हम यहाँ पे आपको ग्लास के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं अच्छे से कि किस तरीके से हमने जम्पर किया है। चलिए हम थोड़ा ग्लास के थ्रू आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको जम्पर किया है, अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हम। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि हमने इस तरीके से जम्पर किया है, आपको भी सिंपली इस तरीके से जम्पर कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियर जम्पर है। सो हमने जम्पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो है ना सप्लाई चेक करते हैं कि यह जो कि है वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे हमने 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है मीटर को। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि फाइनली वोल्टेज आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जियो में यही है फ्रेंड्स, आप जैसे ही चार्जिंग कनेक्टर को लगाओगे तो इसका जो है ना चार्जिंग ऑन हो जाता है और चार्ज होने लगता है, इसका यही है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि फाइनली यह चार्ज होने लगा है। सो अगर फ़ोन के प्रति अभी भी कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को लिंक को ज्वाइन कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।